वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हम आज चुकी जो लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट एजुकेशन पेपर 2, जिसमें हम लोग करिकुलम 5 हमारी जो यूनिट है वो कंटिन्यू पे है। लास्ट टॉपिक है आज का, जो कि है करिकुलम स्टडीज, जो यूनिट का नाम है, राइट। और उसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल सिस्टम करेंगे आज, इंस्ट्रक्शनल मीडिया करेंगे, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स एंड मटेरियल इन एनहांसिंग द करिकुलम ट्रांजेक्शन। सो आज काफ़ी कुछ कवर अप करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट लेसन होगा यूनिट 5 का। उसके बाद इसके एमसीक्यूज भी देखेंगे हम लोग। तो अभी स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रक्शनल सिस्टम के ऊपर, जो कि करिकुलम ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है। करिकुलम ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो हाँ, आज के टॉपिक में जो है, आज के लेसन में हम लोग ये टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। ये जो है यूनिट 5 का सी सेक्शन होगा, यूनिट 5 का सी पार्ट है ये। जो हमने इसके बाकी के जो मॉडल्स हैं वो कवर अप कर चुके हैं, उसको देखते रहिएगा बाकी की वीडियोस में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें, नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको मीनिंग दिया हुआ है करिकुलम ट्रांजेक्शन का। बेसिकली जो करिकुलम ट्रांजेक्शन होता है वो होता है इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन। जो हमने करिकुलम में बनाया है वो, उसका इफेक्टिवली हमें क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो बेसिक अगर आप डेफिनेशन पे आते हैं तो करिकुलम ट्रांजेक्शन का मतलब होता है इफेक्टिव, राइट। इफेक्ट करिकुलम ट्रांजेक्शन का जो है यहाँ पे मीनिंग आपको दिया जाएगा कि इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम कंटेंट। जो भी आपने करिकुलम कंटेंट तैयार किया है उसका इफेक्टिवली क्या करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। जो जो आपने लिस्ट आउट किए हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द करिकुलम, वो हमें प्रॉपर तरीके से क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। करिकुलम ट्रांजेक्शन में जो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इफेक्टिव प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इफेक्टिव प्लानिंग प्रॉपर तरीके से, क्योंकि प्लानिंग देखिए बना के रख लेना इज़ वेरी इजी टास्क अकॉर्डिंग टू दिस, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इफेक्टिव प्लानिंग बहुत ज़रूरी होती है, ताकि लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो है वो बच्चों को दिए जा सकें, है ना। उसके बाद क्या चाहिए हमें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग इफेक्टिव तरीके से हो। हम प्लानिंग करें, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी अच्छे तरीके से करें, फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड जो इम्प्लीमेंटेशन होगी उस ऑर्गेनाइज प्लानिंग की, उसको उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, उसका इवेल्युएशन करना है कि कितने तरीके से हमारी जो है प्लानिंग सक्सेसफुल रही है। तो इसके कुछ एरियाज रिक्वायरमेंट्स हम आज जो है वो पढ़ने वाले हैं। सो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे। करिकुलम जो है, पहले हमने करिकुलम की डेफिनेशन सीख रहे हैं कि करिकुलम होता क्या है। करिकुलम इज़ अ प्रिस्क्राइब सिलेबस, जैसे आपको पता ही है कि करिकुलम एक फ्रेमवर्क है, एक प्रिस्क्राइब सिलेबस है, जो हमें जो है एक टेक्स्ट बुक में उसको कवर अप किया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक जंगीरा एक पर्सनालिटी थी, एक जो है एक रिनोन फिलोसोफर है, जिन्होंने कहा कि करिकुलम को एज अ ऑपरेशनल डॉक्यूमेंट का नाम दिया गया है, विच ट्रांसलेट्स द ऑब्जेक्टिव्स इनटू प्रैक्टिस। क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स हमने उसमें प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनको क्या करते हैं, प्रैक्टिस में लाते हैं, उनको एक्टिव बनाते हैं, है ना। सो इसमें दिस डॉक्यूमेंट अराइजेस आउट द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस चलता रहता है करिकुलम के डेवलपमेंट में, उसकी ट्रांजेक्शन में। सो बेसिक जो डेफिनेशन है ट्रांजेक्शन की, कि वॉट एवर वी हैव प्रिस्क्राइब, वॉट एवर वी रिटन इन द करिकुलम, उसको हमें इफेक्टिव तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करना है, और उसके लिए हमें ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड होती है, इफेक्टिव प्लानिंग भी रिक्वायर्ड होती है, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजिंग भी रिक्वायर्ड होती है। विद इन दिस फ्रेमवर्क करिकुलम इज परसीव्ड एज द कॉम्पोनेंट इन द मल्टी स्टेज प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग टूल फॉर टीचिंग। जब भी हम टीचिंग में जाते हैं, जब भी हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसमें मल्टीपल स्टेजेस के प्रोसेस होते हैं। लाइक फर्स्ट वी हैव टू प्लान द लेसन, हमें प्लान करना है उसमें को, हमें वी हैव टू डिसाइड फर्स्ट वॉट टीचिंग मेथड शुड बी यूज, वॉट जो है वॉट सब्जेक्ट मैटर, वॉट कंटेंट वी हैव टू बी कवर्ड इन लिटिल बिट ऑफ सेशन, 30 मिनट सेशन। सो फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड इट ऑल, हमें सब कुछ डिसाइड करना पड़ेगा, तो उसको ताकि वो प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके, है ना, और अनप्रॉब्लमैटिकली डिलीवर हो सके बच्चों को, उसको क्या कहा जाता है, करिकुलम ट्रांजेक्शन, की वॉट एवर रिटर्न इन द करिकुलम शुड बी प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर प्लानिंग से वो इम्प्लीमेंट हो जाए, राइट। करिकुलम ट्रांजेक्शन अगर देखेंगे, इट इज एन इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम कॉन्टेंट। क्या है यहाँ पे, डिजायर्ड
इफेक्टिव एंड डिजायर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम कंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, जो मैंने आपको पहले बात की है ये वही शब्दों में बयान है। यहाँ पे करिकुलम ट्रांजेक्शन क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करता है इफेक्टिव प्लानिंग को फॉर प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टू इट्स लर्नर। प्रॉपर मैंने जैसे आपको पहले बताया ना, इफेक्टिव प्लानिंग ज़रूरी होती है किसके लिए, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को लर्नर्स तक प्रोवाइड करने के लिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लानिंग, प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है प्लानिंग इवैल्यूएशन, क्योंकि एवरीथिंग शुड बी सेट स्टेप आउट, मतलब आपको हर एक जो है स्टेप तरीके से चलना है। चलिए अब धीरे धीरे करके हम सब, हमें यहाँ पे जो सीखना है वो सीखना है इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो है, प्रॉपर जो सिस्टम है, इंस्ट्रक्शन मीडिया, ये किस तरीके से हमारे करिकुलम ट्रांजेक्शन में हेल्प करते हैं, है ना। सो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है एक इफेक्टिव जो करिकुलम ट्रांजेक्टेड होता है, मतलब अगर आपको प्रॉपर तरीके से ट्रांजेक्ट करना है वो क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स इफेक्टिवनेस। अगर आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होगी तो वो टीचर की इफेक्टिवनेस को, उसकी एफिशिएंसी को, उसकी कॉम्पिटेंस को इंक्रीज कर देता है। द इंस्ट्रक्शनल सिस्टम ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन इज एज फॉलो पॉइंट। हम यहाँ पे सिस्टम सीख रहे हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले आता है प्लानिंग ऑफ करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज की प्लानिंग जरूरी है कि टीचर एडुकेटर्स जो होते हैं सबसे पहले वो कौन से ईयरली प्लान बना रही है या वन डे प्लान बना रही है, 6 months का प्लान बना रही है, मंथली प्लान बना रही है, तो डिपेंड्स करता है कि टीचर क्या चाहती है, एडुकेटर क्या चाहते हैं। सो टीचर एडुकेटर जो है शुड फॉलो ईयरली प्लानिंग फॉर ईच ऑफ द पेपर एंड दे टीच एज दिस टाइप ऑफ प्लानिंग कंटेन्स, जो इस तरह की प्लानिंग में ईयरली प्लान्स बनाए जाते हैं जहाँ पर मंथली और यूनिट वाइज भी प्लानिंग होती है। सो आपने देखा ईच एंड एवरी पार्ट्स पे वर्क किया जाता है, जिसमें हम डेली लेसन प्लानिंग करते हैं, कंप्लीट व्यू ऑफ व्हाट ही हैज़ टू डू इन द होल सेशन, कि उसको होल सेशन में क्या करना है इसकी प्लानिंग करते हैं, और इंस्ट्रक्शनल वर्क, करिकुलर एक्टिविटीज एंड को करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं। सेकेंड पॉइंट में देखिए यूज ऑफ टीचिंग मेथड्स, हम टीचिंग मेथड्स कौन कौन से यूज करेंगे ड्यूरिंग द क्लास वो भी हम लोग पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सो सबसे पहले है यहाँ पे हम लेक्चर मेथड करना है, डिस्कशन मेथड करना है, लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन करोगे तो ये सब भी प्री प्लान्ड होता है। असाइनमेंट्स दोगे बच्चों को, प्रेजेंटेशन के थ्रू बच्चों को बढ़ाएंगे, या प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है, सेल्फ डिस्कवरी है, सेमिनार्स के इनवेरिबली अगर आप कहेंगे तो हर एक चीज़ पहले से ही डिसाइड कर ली जाती है कि अगर आप लेसन को डिलीवर कर रहे हैं तो किस मेथड के थ्रू किया जाएगा, ताकि करिकुलम जो है वो इजीली ट्रांजेक्टेड हो जाए। ठीक है, थर्ड पॉइंट है प्रैक्टिस टीचिंग फॉर ओरिएंटिंग प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टू इनोवेशंस लाइक माइक्रो टीचिंग, है ना, सिमुलेशन टेक्निक्स लाइक वर्कशॉप्स, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, टीम टीचिंग शुड बी यूज्ड बाय द टीचर एडुकेटर्स। बहुत से इनोवेटिव मेथड्स हैं, जैसे अगर आप माइक्रो टीचिंग पे बिलीव करते हैं क्लासरूम में, तो आपने क्या किया, पहले उसको 5 मिनट एक स्टे पे काम करना शुरू किया किसी टॉपिक के ऊपर, आपने उसको पढ़ाया, दोबारा से पढ़ाया, स्किल करा। तो माइक्रो टीचिंग होती किस लिए है, माइक्रो टीचिंग इज एन एग्जांपल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्टेड, कि इसमें आपको एक स्किल निखारने का मौका मिलता है, आप स्किल्ड हो जाते हैं एक स्किल के ऊपर। चलिए यूज ऑफ मीडिया फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे, इट शुड फैसिलिटेट द एसोसिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, सेव द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स टाइम। यहाँ पे क्या होता है, यूज ऑफ मीडिया, अगर आप मीडिया के मल्टीपल मीडिया लिख सकते हैं, आप मल्टीपल मीडिया एट द पॉइंट ऑफ टाइम आप क्लासरूम में यूज करते हैं, तो उससे क्या होता है टीचर का टाइम सेव हो जाता है, क्योंकि जो कंटेंट आप लेक्चर मेथड के थ्रू दो लेक्चर्स में पढ़ाएंगे वही वो एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाता है। इट प्रोवाइड यू द ऑथेंटिक एंड करेक्ट इन्फॉर्मेशन, इट विल मेक योर टीचिंग लेसन वेरी इंटरेस्टिंग, इट प्रोवाइड्स यू द वेरी सिंप्लीफाइड जो है व्यू ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड डेटा। मैंने जैसे आपको बताया ना कि जो कॉम्प्लिकेटेड डेटा है उसको सिंप्लीफाई कर देता है, स्टिमुलेट द इमेजिनेशन, आपकी इमेजिनेशन को स्टिमुलेट करता है, क्रिएट करता है, क्योंकि जब आप लोग मीडिया के थ्रू पढ़ते हैं कोई भी लेसन तो आप अपने माइंड को इमेजिनेशन मोड पे डालते हैं। डेवलप द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स, टीचर्स जो है डेवलपमेंट होती है, टीचर्स का खुद भी डेवलपमेंट होता है, एंड पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ती है, एक्वान देम विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द एरिया। और उसके बाद जब टीचर भी मल्टीमीडिया के थ्रू पढ़ाना शुरू करती है तो जो भी लेटेस्ट होने वाले डेवलपमेंट्स हैं उसको उसको समझ में आते हैं, उसको ऑब्जर्व करती है, उसको अपने क्लासरूम में इनकलकेट करती है। सो ये था फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ है इम्प्रूवमेंट ऑफ इवेल्युएशन प्रोसीजर,
जब आप मीडिया को यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से आप इवैल्यूएशन में भी यूज़ करते हैं. ऑल टीचर एडुकेटर्स शुड असेस एंड इवैल्यूएट दैट प्रोस्पेक्टिव टीचर्स परफॉर्मेंस विद ड्यू वेटेज फॉर अटेंडेंस पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस इन वेरियस करिकुलर कोकरिकुलर एक्टिविटीज एंड अचीवमेंट इन हाउस एग्जाम्स यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड टूल्स. दैट मीन्स हमें इवेल्युएशन में भी डिफरेंट टाइप्स एंड टूल्स मीडिया को यूज़ करना है. हमें ऑर्गेनाइज हमें सिक्स पॉइंट में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज. हमें जो भी एक्टिविटीज हैं उनको भी क्या करना है प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना है थ्रू द यूज ऑफ मीडिया थ्रू द यूज ऑफ इंस्ट्रक्शनल मीडिया सिस्टम. राइट, एजुकेशनल जो एक्टिविटीज होती हैं या एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी एक्सपीरियंसेस लाइक रेस करा रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटी करा रहे हैं या उसको जो स्पीच एक्टिविटी करा रहे हैं तो उन सब में भी आप जो है मीडिया का यूज कर सकते हैं. नाउ इंस्ट्रक्शनल मीडिया, पहले हम पढ़ा था इंस्ट्रक्शनल सिस्टम, अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया. चलिए स्टार्ट करते हैं. इंस्ट्रक्शनल मीडिया डिजाइन इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सर्टेन एजुकेशनल कोर्स एंड डिजाइनिंग क्रिएटिंग एंड टेस्टिंग मल्टी मीडिया रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाई दीज ऑब्जेक्टिव्स. इसका क्या मतलब है यहाँ पे कि जो मीडिया हम लोग बनाते हैं जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं टू डिस्कवर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड रिक्वायरमेंट्स. जब हम लर्निंग मोड पे होते हैं यानी कि टीचिंग लर्निंग मोड पे होते हैं तो हम कुछ मीडियाज़ को डिस्कवर करते हैं जो बेसिक हमारे जो है काम आएगी हमें टीचिंग में काम आएगी. तो उसके लिए हमें प्रॉपर डिज़ाइनिंग की ज़रूरत होती है प्रॉपर क्रिएटिंग की प्रॉपर टेस्टिंग की ज़रूरत होती है. राइट, तो फर्स्ट है यहाँ पे यूज़ किस तरीके से हम यूज़ करेंगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया का. जो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है मल्टीमीडिया अप्रोच इन लर्निंग प्रोसेस. लर्निंग प्रोसेस में हम किस तरीके से मल्टीमीडिया को यूज़ करते हैं सिलेक्शन के लिए अरेंजमेंट के लिए रीअरेंजमेंट के लिए यूज़ ऑफ मटीरियल्स इक्विपमेंट टू प्रमोट द लर्निंग. एक बेसिक एग्जाम्पल है क्लासरूम में या ओपन स्पेस स्कूल में कहीं भी जहाँ पर भी आपको अरेंजमेंट सिलेक्शन यूज़ ऑफ मल्टी मीडिया मटीरियल्स इन सब की हमें ज़रूरत पड़ती है इन द लर्निंग प्रोसेस. स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने होते हैं जब हम इसको मीडिया को यूज़ करते हैं लाइक बुक्स हैं फिल्म स्क्रिप्ट हैं या फील्ड ट्रिप करते हैं डेटा बैंक्स हैं जहाँ पर आपको नॉलेज से नॉलेज जो है मिलती है. तो इन सब तरीके से जो है हम लोग बच्चों की जो लर्निंग पावर है उसको क्रिएट करते हैं. यूज ऑफ स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे बच्चों की कैपेबिलिटीज को जो बच्चे के अंदर छिपी प्रतिभाएं हैं एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को क्या करेंगे यूज़ करेंगे. और कैसे यूज़ करेंगे थ्रू मीडिया. इंस्ट्रक्शनल मीडिया शुड बी कंसीडर्ड इन टर्म्स ऑफ द लेवल ऑफ कॉन्क्रीटनेस. हम क्या करेंगे कॉन्क्रीटनेस लेवल पे योर एब्स्ट्रैक्टनेस ऑफ एक्सपीरियंस दैट इज अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रन हु आर टू यूज देम. जिन बच्चों के लिए हम लोग एक्सपीरियंस दे रहे हैं या एक्सपीरियंस ले रहे हैं उनके लिए मीडिया को कॉन्क्रीट लेवल पे या एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे भेजा जाता है यूज किया जाता है. इफ डायरेक्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इज नीडेड मतलब आपको डायरेक्ट फर्स्ट हैंड नीड की जरूरत है तो हम जैसे वीविंग है क्लास में वोकेशनल एक्टिविटीज होती है वीविंग यानी कि बुनाई होती है किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन करना सिखाते हैं मॉडलिंग करना सिखाते हैं इस चीज़ को मॉडल के रूप में ढालना या सिमिलर एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों को दी जाती है. लेकिन अगर आप ऑन द अदर हैंड जो है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे देखें तो एग्जीबिशंस क्रिएट होती हैं मोशन पिक्चर्स होती हैं स्टिल पिक्चर्स होती हैं जिसमें टीचर जो है पिक्चर को डिस्क्राइब करती है ऑडियो विजुअल एड्स होती हैं मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट यानी कि और मोस्ट एब्स्ट्रैक्ट जो है अगर मटेरियल पे आओगे तो वो बुक्स हैं टेबल्स हैं ग्राफ्स हैं मीडिया. तो यहाँ पर लेवल्स होते हैं कि टीचर हैव टू डिसाइड कि कौन सा मेथड कौन सा एब्स्ट्रैक्ट मेथड है या कौन सा कॉन्क्रीट मेथड है जो बच्चों के लिए उस टाइम पे पॉइंट ऑफ व्यू पे यूज होगा. फोर्थ है मीडिया सिलेक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया. देखिए मीडिया को सिलेक्ट किया जाता है इन डिफरेंट टर्म्स ऑफ क्राइटेरिया पे. अब वो क्राइटेरिया कौन कौन से होते हैं कौन से हमें ऑब्जेक्टिव्स को यूज करना है यानी कि अटेंड करना है
उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कंटेंट की, उसके बेसिस पे भी हम मीडिया को डिसाइड करते हैं। फेयरनेस एंड एडिक्वेसी ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन एंड एथनिक ग्रुप जो है वहाँ पे विद्यमान है, रिलीजियस ग्रुप जो है उसके अकॉर्डिंग भी हम जो है मीडिया को डिसाइड करते हैं। बच्चों के अप्रोप्रिएट लेवल, यानी कि बच्चों डिसेबल्ड है तो उसके लेवल के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग मीडिया को डिसाइड करेंगे। एलिमिनेशन ऑफ सेक्स बायसनेस नहीं होना चाहिए, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में नहीं होना चाहिए, एथनिक स्टीरियोटाइप्स, फिजिकल क्वालिटीज, वैल्यू ऑफ अकंपनिंग मैनुअल्स, टाइम, एफोर्ट, एक्सपेंस, इन एक्सपेंस को देखते हुए भी हम मीडिया का यूटिलाइजेशन करते हैं व्हाइल वी आर यूजिंग इट टू द क्लासरूम। फिफ्थ पॉइंट है यूटिलाइज द वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। हम क्या यूटिलाइज करते हैं, बहुत ही तरीके की जो डिफरेंट डिफरेंट तरीके की स्ट्रैटेजीज होती हैं, टीचिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, वो क्लासरूम में यूज करते हैं। जैसे इंस्ट्रक्शनल मीडिया शुड बी यूटिलाइज द वैरायटी ऑफ टीचिंग स्ट्रैटेजी। एक इंस्ट्रक्शनल मीडिया बहुत ही तरीके से टीचिंग स्ट्रैटेजी को यूज करता है। अगर इन जनरल हम बात करते हैं तो रेडीनेस फॉर द यूज़ ऑफ गिवन रिसोर्सेज शुड बी डेवलप्ड। ये सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो मीडिया हम दे रहे हैं, जैसे अगर मैंने प्रोजेक्टर लगाया है तो बच्चे शुड बी एबल टू कनेक्ट विद देम, कि बच्चे होने चाहिए रेडीनेस, यानी कि बच्चों के अंदर रेडीनेस होना चाहिए। अगर बच्चों को प्रोजेक्टर यूज़ करना नहीं आता है, बच्चों को नोट डाउन करना नहीं आता है, तो वो मीडिया का जो सिलेक्शन है वो खराब है, बेकार है। The use of resources should be observed and guided as needed. और जो हम यूज कर रहे हैं resources, उसका proper तरीके से हमें guide करना चाहिए, observe करना चाहिए। Follow through in related activities should be provided. Teacher and a group evaluation is must. ठीक है, देखते रहिए, teacher और group evaluation करते रहिए, इतना media जो हमने classroom में use किया है वो कितना successfully work किया है। Library facilities दीजिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा। Students in each classroom or work area should have a direct access to the library resources, है ना, library के जो भी resources हैं उसे direct access होना चाहिए बच्चों का। Helpful in facilitating the instruction, helpful रहता है facilitating the instructions। यस, इसमें है इंस्ट्रक्शनल मीडिया जो सेंटर्स बने हुए होते हैं, हर एक स्कूल में होते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर्स। क्या होते हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर्स, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कि इंस्ट्रक्शनल के जो मीडियाज होते हैं उनके सेंटर्स हर स्कूल में अवेलेबल होते हैं। क्या नाम है उनका, शुड बी अवेलेबल होने चाहिए प्रॉपर। उसमें कोई ऐसे अब जो है हर्डल्स मत डालिए कि पहले यू हैव टू बी दिस एंड दिस दिस, तो उसमें अगर आप हर्डल्स डालेंगे कि पहले आपको फॉर्म बनाना है, फॉर्म फिल करना है, आपको कार्ड बनाना है, आपको पे करना है, तो वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। एंड लैक ऑफ जो कहेंगे आप फैसिलिटीज, आप उसको लैक हो जाएंगे। तो टीचर्स के लिए जो है वो और स्टूडेंट्स के लिए वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल होना चाहिए, ओपन होना चाहिए, एंड वो प्रोवाइड करे आपको वर्क स्पेस, यानी कि काम करने के लिए आपको स्पेस होनी चाहिए, वहाँ पे अच्छे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, मटीरियल्स होने चाहिए फॉर मेकिंग द मटीरियल, एज वेल एज वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज, डिफरेंट डिफरेंट रिसोर्सेज होने चाहिए और उनका इमीडिएट आप यूज़ कर पाएं। ऐसा नहीं है पहले मैंने जैसे आपको बताया कि पहले आपको जो है प्रॉपर सारी अरेंजमेंट्स को पूरा करना पड़ेगा, फिर जाके आप उसको असेसमेंट मिलेगी, तो ये क्या करता है, मोनोटोनस कर देता है आपके काम को। आप सोचते हैं कि पहले इन सब चीज़ों से गुजरने की बजाय फिर आप कोई और सोर्स ढूंढने लगते हैं। तो जो भी मीडिया का सेंटर है वो प्रॉपर तरीके से अवेलेबल, वर्क स्पेस अवेलेबल और भी उसके साथ जो है एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। नेबरहुड एंड कम्युनिटी को एज अ लेबोरेटरी फॉर लर्निंग। ये जो भी आसपास की कम्युनिटी है, देखिए अगर आप समझते हैं एक स्कूल है, स्कूल के पास में अगर कोई रिलीजियस सेंटर है तो आप वहाँ ले जाकर बच्चों को वहाँ के, अगर आप कुरान पढ़ाना चाहते हैं, बच्चों को बाइबल के थ्रू पढ़ाना चाहते हैं, इस्लामिक धर्म पढ़ा रहे हैं, तो आप एक सेंटर होते हैं उसमें जाके, काफ़ी सेंटर्स होते हैं या एक जो इसी पर्पस के लिए बिल्ड किए जाते हैं, आप वहाँ जाके बच्चों को एक घंटा दो घंटा वहाँ पे जो है घुमा कर बच्चों को उनकी वहाँ की सारी चीज़ों से जो है प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट करा कर आप उन्हें जो है बता सकते हैं। तो कम्युनिटी को या उसके आसपास के नेबरहुड को भी हम ऐसा लेबॉरेटरी यूज़ कर सकते हैं। Entire neighborhood and community should be viewed as a laboratory. Students' experience in the community and in many different जो है resources में available कराना बहुत ज़रूरी है। तो आप
खैर जैसे कि हम बता रहे हैं कि एक स्कूल में प्रॉपर लाइब्रेरी होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर्स होने चाहिए, या नेबरहुड और जो कम्युनिटी आसपास के हैं आप उन्हें एज अ लेबोरेटरी भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ये सब पढ़ा। अब जो बारी आती है वो आती है टाइप्स की, कितने कितने टाइप्स होते हैं। ये भी सिंपल है, प्रिंटेड फॉर्म में जो आपको मिलता है ना मटेरियल, जैसे टेक्स्ट बुक्स में प्रिंटेड फॉर्म में होता है, पैम्फलेट्स में जो है प्रिंटेड फॉर्म में आपको जो है डेटा अवेलेबल होता है, प्रोग्राम्ड मटेरियल होते हैं जो इंटरनेट पे आप देखते हैं, रेफरेंसेस बुक्स होती हैं, सोर्स मटेरियल्स होते हैं, एक्टिविटी बुकलेट्स होती हैं, पीरियोडिकल्स जो आपको पीरियड वाइज मिलते रहते हैं, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, अदर जो रीडिंग मटेरियल्स होते हैं, दीज आर ऑल प्रिंटेड मटेरियल्स। और जो ऑडियो विजुअल फॉर्म में मिलते हैं आपको, जो आप उसमें टीवी में देखते हैं या आपको यूट्यूब चैनल पे जो मिलते हैं ऑडियो विजुअल फॉर्म में, वो सब हैं, जिसमें साउंड एंड फिल्म रिसोर्सेज होते हैं, मोशन पिक्चर्स होती हैं, टेलीविजन है, पिक्टोरियल रिसोर्सेज हैं जिसमें फोटोग्राफ्स बनी हैं, स्केचेस होते हैं, या कोई ऐसा ग्राफिक मटेरियल जिसमें मैप्स हैं, डायग्राम्स हैं, तो दीज आर ऑल ऑडियो विजुअल मटेरियल, जिसमें आप चार्ट, स्लाइड्स, दीज आर ऑल ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। एंड द थर्ड वन इज कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या होता है, जो कि लोकली अवेलेबल प्रिंटेड ऑडियो विजुअल रिसोर्सेज प्लस फील्ड ट्रिप्स है ना, ये भी तो हमारा फॉर्म है। पर्सन टू पर्सन इंटरव्यूज जो होते हैं वो भी तो हमारा लर्निंग का एक सोर्स है। सर्विस प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, लाइब्रेरीज जो होती हैं, म्यूजियम्स जो होते हैं, दीज आर ऑल्सो अ सोर्स, एक सोर्स है हमारा इंस्ट्रक्शंस का। ठीक है, ये हमने पढ़ा। जो अब है, अब हम जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एनहांसिंग, मतलब किस तरीके से एनहांस किया जाए करिकुलम ट्रांजेक्शन्स को। सबसे पहले इंस्ट्रक्शनल टेक्निक को अच्छा बनाया जाए, है ना। इंस्ट्रक्शनल जो भी टेक्निक्स हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे टॉपिक में है, इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन, दिस इज द टॉपिक ऑफ आर करिकुलम। हमारे करिकुलम में ये वाला टॉपिक भी है, सिलेबस में हमारा जो है ये टॉपिक है। सो द करिकुलर ट्रांजेक्शन नीड वेरियस टेक्निक्स, टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अच्छे से डिफाइन कर पाएँ, एक्सपाउंड कर पाएँ, एलुकेट कर पाएँ, जर्नलाइज कर पाएँ, वेरीफाई कर पाएँ, नॉलेज क्रिएट कर पाएँ। हमें एक प्रॉपर टेक्निक की ज़रूरत पड़ती है। तो टेक्निक्स क्या क्या है, द फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी। इंस्ट्रक्शनल मेथोडोलॉजी ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शन। करिकुलम फ्री जो है फ्रेमवर्क या करिकुलम जो डिज़ाइन है विल कंटिन्यू टू बी अ डिज़ाइंड एज मच फॉलोज। ऑब्जेक्टिव स्पेल्ड आउट इन थ्री डोमेन्स, जो भी ऑब्जेक्टिव हैं वो थ्री डोमेन्स में डिवाइड होने चाहिए, बिहेवियर, अफेक्टिव एंड लोकोमोटर जो भी एक्टिविटीज होती हैं उनके बेसिस पे कोर्स कंटेंट ठीक जो है प्रॉपर तरीके से अरेंज होना चाहिए। जो भी मेथोडोलॉजी है वो मटेरियल के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी इवैल्यूएशन टूल्स प्रोसीजर्स हैं, वो प्रॉपर तरीके से जो है अरेंज होने चाहिए, तभी करिकुलम जो है ट्रांजेक्शन इफेक्टिवली होगा। सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, चाहे वो टीचर किसी भी तरीके से जो है मीडिया को सिलेक्ट करे, ड्रिल अच्छी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस विद अनफेमिलियर सिचुएशंस। टीचर को चाहिए कि जो भी बच्चों के लिए अनफेमिलियर सिचुएशंस हैं या मटेरियल है उसको जो है प्रॉपर तरीके से समझाए। सेल्फ इवॉल्व एंड इनिशिएटेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, अडेप्टेशन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, जो भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको अडेप्टेशन अच्छी होनी चाहिए, और अच्छे तरीके से टीचर जो है मीडिया को डिमॉन्स्ट्रेट कर पाए। इस बेसिस पे भी हमारा क्या करते हैं, एजुकेशनल ट्रांजेक्शन यानी कि करिकुलम जो ट्रांजेक्शन है वो होता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे तरीके से स्पेल आउट होने चाहिए, अच्छे तरीके से शब्दों में होने चाहिए, तीन डोमेन्स जो होते हैं उसके अंदर होने चाहिए, कोर्स कंटेंट में होने चाहिए, है ना। तो ये थ्री डोमेन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि बताया साइकोमोटर है और कॉग्निटिव अफेक्टिव, तो इन जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो इन तीन जो है उसमें डोमेन्स में डिवाइडेड होने चाहिए, ताकि इजीली ऑब्जेक्टिव्स को आइडेंटिफाई किया जा सके। उसके बाद यहाँ पे है सिलेक्शन किस तरीके से होना चाहिए, कि बच्चे इजीली उसको अडेप्ट कर सके, मीडिया को एक्सपीरियंस कर सके, खुद भी चला सके, खुद भी इनिशिएशन जो है इनिशिएटिव ले सके, ड्रिल कर सके, फेमिलियर ले सके। इस तरीके से जो है अगर आप स्ट्रेटजी करेंगे इंस्ट्रक्शनल मीडिया की, तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों को समझ में आएगा और करिकुलम जो है वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसेक्टेड होगा। चलिए, टेक्निक्स हैं कौन कौन सी, टेक्निक्स जो भी हमने पढ़ी हैं
वही टेक्निक्स को यहाँ पे सम अप किया हुआ है, जैसे आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, है ना, तो वही चीज़ों को बार बार ही रिपीट किया हुआ है कि आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, इनडायरेक्टली जो है वो आपको एडी मीडिया जो था, लाइक आप इंडक्टिव मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरिंग, इंक्वायरी मेथड, सो दीज आर ऑल इनडायरेक्ट मेथड्स, ठीक है। इंटरैक्टिव, बच्चों को ग्रुप डिस्कशन दे दीजिए आप, ताकि आप टॉपिक के ऊपर उनको शेयरिंग अमंग पार्टिसिपेंट्स, कोई ऐसा टॉपिक दीजिए कि जाके चार बच्चे जो है उसके ऊपर प्रोजेक्ट जो है बनाए, तो वो क्या करेंगे अपने अपने लेवल पे जो है सर्च करेंगे टॉपिक को। फिर है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें आप इंडक्टिव लर्नर सेंटर होती है, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया आपने कि चलिए आप इसके ऊपर जो है 25 पेजेस का एक टॉपिक जो है बनाइए, तो उसके बारे में वो सोचेगा, मगअप करेगा, चीज़ों को देखेगा, लर्न करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। एक्टिविटी ओरिएंटेड कोई एक्टिविटी आप बच्चों को दीजिए, तो ये जो है क्लास लेवल पे टेक्निक्स हैं जो कि अच्छे तरीके से हमारे करिकुलम को ट्रांजेक्ट करती है। इंडिपेंडेंट स्टडी, बच्चों को इंडिपेंडेंट स्टडी के लिए क्या करिए आप एनकरेज कीजिए। एट द कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स हैव अ फुली डेवलप्ड कैपेसिटी टू लर्न देयर ओन, क्योंकि कॉलेज लेवल पे बच्चे इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो अपने लेवल पे स्टडी करते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ताकि वो अपने जो है सेल्फ इनिशिएटिव लेते हैं, सेल्फ रिलायंस हो जाते हैं, खुद को इम्प्रूव करना शुरू करते हैं बाई यूजिंग द मीडिया। नाउ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, अब मटेरियल्स किस किस फॉर्म में आपको अवेलेबल होते हैं वो देख लीजिए। चलिए लास्ट टॉपिक है, तो इसके 2-3 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। एजुकेशनल मीडिया है, जिसमें आप लाइब्रेरी मीडिया सेंटर्स कलेक्शन, मैंने आपको बताया है कि आपको पब्लिक लाइब्रेरीज भी बहुत मिल जाती हैं स्टडी करने के लिए। अ वाइड चॉइस ऑफ मटीरियल्स दैट सपोर्ट द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम शैल बी अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल स्टाफ, जो कि अलाउ करता है आप डिफरेंट फ्री चॉइस ऑफ रीडिंग इंटरेस्ट, मतलब कुछ भी आप अपनी मर्जी से पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं, और जहाँ पे क्वालिटी का मटेरियल भी बहुत अच्छा होता है, और जो आप बुक्स भी देखेंगे वो भी लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग होती है। सो आप देख सकते हैं एजुकेशनल मीडिया को सर्च करेंगे तो आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मटीरियल्स भी मिल जाते हैं। उसके बाद है इवेल्युएशन एंड सिलेक्शन ऑफ मटीरियल, किस तरीके से आप मटीरियल को डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू द कंटेंट जो आप पढ़ना चाहते हैं। सो जो स्कूल लाइब्रेरी होती है, मीडिया सेंटर्स होते हैं, अफोर्ड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, उनको मौका देते हैं एक्सप्लोर करने का, अननोन फैक्ट्स को डिस्कवर करने का, अपने एरियाज अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अपनी चीज़ों को जो है डिस्कवर करें। इट शुड कंटेन द मटीरियल्स दैट अलाउ फॉर फ्री इंक्वायरी स्टडी एंड इवेलुएशन। देखिए कई बार क्या होता था, अगर आफ्टर द क्लास बच्चे जो है लाइब्रेरी को यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए 1 घंटा आधा घंटा रखी जाती थी, तो उससे क्या होता है बच्चे अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली डिस्कवर करते हैं, पढ़ते हैं, तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है एजुकेशनल करिकुलम को ट्रांजेक्ट करने का। देन द लास्ट स्लाइड है ये, जहाँ पर हम देख रहे हैं यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, आपका डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे आप इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को यूज़ कर सकते हैं। लॉस्ट एंड डैमेज्ड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, कई बार क्या होते हैं बच्चे यूज़ करते हैं बुक्स को तो वो मटेरियल जो है क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उस बेसिस पे क्या करें, प्रिंसिपल शैल कलेक्ट फ्रॉम ईच स्टूडेंट और स्टूडेंट्स पेरेंट द परचेज प्राइस ऑफ एनी इंस्ट्रक्शनल मटेरियल द स्टूडेंट हैज लॉस्ट। देखिए जब कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं जानकर बुक्स को डैमेज कर देते हैं या अनइंटेंशनली बुक्स डैमेज हो जाती हैं बच्चों से, तो इस केस में देखिए पेनल्टी नहीं होता है, ये एक तरीका होता है कि आप जो इसका प्राइस है वो बच्चों से ले या बच्चों के पेरेंट्स से ले, उससे क्या होगा नेक्स्ट टाइम वो बुक को यूज़ करने से पहले, क्योंकि वो बुक उसकी नहीं है, पब्लिक बुक है, उस बुक को पढ़ने के लिए और भी लोग हैं, तो अगर आपने बुक को डैमेज किया है तो वो प्राइस आपसे लिया जाएगा। इससे क्या होता है बच्चे के अंदर एक सेंस ऑफ केयर आती है कि जो वो चीज़ यूज़ कर रहा है वो उसकी नहीं है, पब्लिक की है, तो उसको यूज़ करने से पहले, उसके ऊपर मार्क करने से पहले वो सोचेगा कि अगर आई हैव टू पे फॉर दिस, अगर इसको कुछ हो जाता है, तो दिस इज़ अ सेंस ऑफ केयर, आपको बुक की केयर कैसे करनी है। सो हमने इस सेशन में, इस लेसन में कंप्लीट इंस्ट्रक्शनल मीडिया टेक्निक सब सिस्टम सब कुछ पढ़ा है। एट द लास्ट अगर मैं आपको सम अप करके बताऊं तो करिकुलम ट्रांजेक्शन का मतलब है कि जो करिकुलम प्लान किया गया है उसको अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, और उसको इम्प्लीमेंट हम थ्रू मीडिया, थ्रू इंस्ट्रक्शनल मीडिया किस तरीके से करते हैं वो इस लेसन में हमने पढ़ा है। सो फ्रॉम माय साइड मेरा करिकुलम जो है वो टॉपिक ख़त्म हो चुका है। जो भी आपको टॉपिक यूनिट 5 में से जो है सर्च आउट करने हैं आप वो मेरे चैनल पे कर सकते हैं, बट फर्स्ट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, एंड उसके साथ में ही एक बटन है
बेल आइकन है उसको आप हिट कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, जो भी लेटेस्ट आपके पास नोटिफिकेशन होगी, चाहे जो भी लेटेस्ट मेरी अपलोड होगा वीडियो, वो आपको पहले मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।